अच्छा सरप्राइज जो है, सरप्राइज कितना उनेगा बेटा? माशाल्लाह जी प्यारे बहन भाइयों, हमारा मेहमान जो था वो जो सरप्राइज आपको देना था वो असल में हमारा एक मेहमान आ रहा था। माशाल्लाह जी प्यारे बहन भाइयों, अभी जो है हम रास्ते में जा रहे हैं बाइक पे माशाल्लाह। तो ये देखें सामने मस्जिद। प्यारे बहन भाइयों, सरप्राइज जो था वो माशाल्लाह पहुंच चुका है, तो आपको दिलवाते हैं। नहीं किलो 150 रुपए और सेब 350 रुपए किलो। अच्छा रमजान शरीफ है ना हमारे पाकिस्तान। माशाल्लाह जी प्यारे बहन भाइयों, अभी जो है घर पहुंच चुके हैं माशाल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो, बिल्कुल फूलों की तरह चमकते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और बाकी घर वाले भी माशाल्लाह ठीक हैं। तो हमारा सुबह का व्लॉग जो है वो हो चुका है स्टार्ट। मेरे तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल कर लें सब्सक्राइब, लाइक शेयर भी ज़रूर करना है। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ और आपको अच्छा सा व्लॉग शेयर करते हैं माशाल्लाह जी। आज जो है एक सरप्राइज भी आपको देना है। तो अभी जो है मैं आया हूँ काम से, तो सब घर वाले जो है गए हुए हैं लगता है घास काटने, और अम्मी भी गई हुई थी साथ में और मेरी बेगम भी गई हुई थी। तो देखते हैं अभी आ गए हैं वापस या नहीं आए, नहीं तो घास जो है उठा के फिर ले आएंगे। और इंशाल्लाह बाकी की जो वीडियो होगी वो आपसे शेयर करेंगे। और माशाल्लाह ये देखें दरख्त जो है फूटना शुरू हो गए हैं, और ये जो है ना शहतूत का दरख्त है, ये फूट रहा है माशाल्लाह। और ये देखें इसको हम कहते हैं बकेन, ये भी माशाल्लाह फूट रही है, ज़बरदस्त हो रही है माशाल्लाह। और सदाफ और कश्यप भी सोई हुई हैं अभी तक। तो चलते हैं कमरे में, देखते हैं कि अम्मी आई हुई है या अभी तक नहीं आई। तो इंशाल्लाह बाकी की वीडियो। इंशाल्लाह जी मुनाहल भी आई हुई है, और मुनाहल जो है नहा लिया है और अच्छा सा सूट पहना हुआ है। क्या खा रही हो? हैं बेटा क्या खा रही हो? खजूरे पिंडू। अच्छा जी पिंडू खा रही हो। किसने दिया है? बाबा ने दिया है। वाह भाई वाह, मजे की है। वाह भाई वाह, नाच सुनाती हो नाच? आराम से सुनो। देख रही है मुझको। अच्छा ये बताओ आपकी अम्मी किधर है? हाँ अम्मी, अम्मी। हाँ जी कहानी, कहानी किधर गई हुई है? घास काटने। वाह भाई वाह। अस्सलाम वालेकुम जान। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत सिया ठीक है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी माशाल्लाह, खास करके ले आई हो? हाँ। अच्छा जी, ए मनाइल बेटा एक दे दो, एक दे दो, मैं एक और आपको उठा के दे दूंगा उधर से शापर से निकाल के ना आपको दे दूंगा, एक दे दो इसको। चलो ना दो फिर, मैं आपको नहीं दूंगा, मैं उनैदा को दूंगा, चाय ले आऊंगा उधर शॉप से, उनैदा को दूंगा। बोला इसको एक खजूर दे दो ना, एक खजूर दे दो इसको। खजूर खाना है बेटा? खजूर खाती हो? वाह भाई वे खजूर खाती हो, उनैदा भी खजूर खा रही है। अच्छा अम्मी जी आपने घास काट के ले आई हो? हाँ जी। माशाल्लाह, तो बेगम साहब काटने गई हुई है? हाँ जी, वो कंजे वो ये घास चाहते थे ना, वो चाहते थे सी वाला वो बरसीन तक पड़ गया, बरसीन का काप काटने गई है। हाँ जी ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। तो आज एक आपको सरप्राइज देना है। हाँ जी ठीक है ना, और पहले सलाम कर दो सब बहन भाइयों को, फिर सरप्राइज दूंगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन तो भिराओ, क्या हाल है? तो सब ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ, तेरे दुआ के साथ। सुबह का भी लोग ठीक है, स्टार्ट भी लोग को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अच्छे अच्छे कमेंट करो, जे थोड़ी मेरी वीडियो पहुँच सके।
हाँ जी, जैस बहन भाई तक हमारे चैनल की नोटिफिकेशन पहुंचे वो हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर भी ज़रूर करना है और वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है और अच्छे अच्छे कॉमेंट्स भी ज़रूर करने हैं। अच्छा सरप्राइज जो है, सरप्राइज ठीक है ना उनैदा बेटा, जो सरप्राइज है वो आपको दें। हाँ सरप्राइज आपको दें, ठीक है जी आपको सरप्राइज देंगे, ठीक है। और सरप्राइज ये है कि अचानक सा एक सरप्राइज है, ठीक है, वो अभी नहीं दूंगा आपको, अभी आप सोच रही होंगी कौन सा सरप्राइज है, वो बाद में मैं आपको सरप्राइज दूंगा, ठीक है। हाँ जी आप सोचने लग जाओ और बाद में सरप्राइज दूंगा। अच्छा आप ये बताओ कि आज बनाना क्या है, क्या पकाना है? सुहा जला थे, कह रही थी आप सुहा जला थे, मैं क्या वो बने सुदे सुन जे करो खराब ना क्या क्या चल करी के ना क्या क्या हुए। हाँ जी बोला वो बने सुन। हाँ जी ना ना तो बोला बी तक कैसा का नहीं और कुछ नहीं है। हाँ दालें भी मुख ये चने वाली है वो तो नहीं, दाल वो दूसरी धोती खत्म हो गई। हाँ और वो चने वाली दाल बची हुई है, यही इतनी सारी बची हुई है। तो आज चने वाली दाल और सुहाजना देखना अगर ठीक है तो वो पका दो, चने वाली दाल अभी चाट दो ना, अभी चाट दो, जल्दी गलती नहीं काठा का नहीं क्या कर। ये तो कह रही थी अच्छी है कि जल्दी गल जाती है, काठा का नहीं काठे दादा आप बन गए हैं, गुहे 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 इधर इधर ही पकदन पाए, गुहे जला देना, क्यों टेंशन ले रही हो, गुहे तो बहुत वो खुड्डा जो है फुल हुआ हुआ है गुहे का, ये भी मुझे पता है ना उन्हें तो बेटा। हाँ गुहे कहती है गुहे बहुत ज्यादा हैं। हाँ जी तो इंशाल्लाह जी प्यारे बहन भाइयों सरप्राइज जो है वो आपको इंशाल्लाह देंगे, सरप्राइज अचानक से, और अम्मी को भी सरप्राइज देंगे, अभी जो है मैं नहीं बताता क्योंकि सरप्राइज जो है इतना वीआईपी और अहम सरप्राइज है, आज बड़ी खुशी की बात है, ये सोच लो, ये ना सोचना कि सरप्राइज जो है फिर क्या पता कौन सा है खुशी की बात, ठीक है। हाँ बताऊंगा थोड़ी देर तक, ठीक है। हाँ जी माशाल्लाह जी प्यारे बहन भाइयों हमारा मेहमान जो था वो जो सरप्राइज आपको देना था वो असल में हमारा एक मेहमान आ रहा था तो वो माशाल्लाह आ गया है, तो अभी जो है उसको मैं लेने जा रहा हूँ और उधर जाके आपको सरप्राइज दूंगा कि मेहमान जो है कौन आ रहा था। तो अभी अभी मुझे कॉल आई है कि जल्दी जल्दी जो है आएँ और मुझे ले जाएं, और उनके जो है ना सामान भी है बहुत ज़्यादा, तो बाइक लेके जाऊंगा वो सामान भी ले आऊंगा और उसको भी ले आऊंगा और उधर जाके दिखाऊंगा कि किसको जो है मैं लेने जा रहा हूं। तो इंशाल्लाह अभी जो है घास उठा के घर मैंने सार दिया है, तो माशाल्लाह चारा काट रही है बेगम, तो अभी जा रहा हूँ घर और बाइक लूँगा और उधर जाऊँगा उठाने, सिटी से इधर है बड़ी मस्जिद है उसके साथ आया हुआ है, तो उधर जो है वो मस्जिद भी आपको दिखाऊंगा, तो उनको भी लेके आऊंगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह जा रहे हैं अभी और बाकी की जो वीडियो है वो आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह जी। प्यारे बहन भाइयों अभी जो है बाइक पे बैठ गया हूँ, तो अभी जाते हैं उनको लेने, ये देखें, तो इंशाल्लाह जैसे उधर पहुँचेंगे तो आपसे वीडियो शेयर। जी प्यारे बहन भाइयों अभी जो है हम रास्ते में जा रहे हैं बाइक पे माशाल्लाह, तो ये देखें सामने मस्जिद नज़र आ रही है, उस मस्जिद के बाहर जो है जाना है देखेंगे इंशाल्लाह। जी प्यारे बहन भाइयों सरप्राइज जो था वो माशाल्लाह पहुँच चुका है, तो आपको दिलवाते हैं अस्सलाम वालेकुम। तो ये था हमारा सरप्राइज, क्योंकि रैन जो है आज आ रहा था तो उन्होंने कॉल की थी कि इधर आ जाओ और मुझे ले जाओ, तो काफ़ी सारा सामान था उनके पास, तो माशाल्लाह जी अभी आ गया। और सफ़र कैसा रहा? सफ़र ठीक रहा है, बिल्कुल ठीक रहा, फ़ोन से ना अभी बस खाली थी अल्हम्दुलिल्लाह, सोए रहे रोज़ा था ना माशाल्लाह। तो उधर से इधर भी आती है, मैंने पहली दफ़ा था जी, वो ना खानपुर से आती है एक बजे से, जहर पीर वाला रोड है ना, मैंने अपना भी भला सोचा है लेकिन सुबह काम था वो राशन वगैरह देने थे, तो एक बजे सीधा ना कुछ छोटी हैयत पे बैठे ना कुछ यहाँ पे आ गए, चार घंटे लगे, बहुत अच्छा किया है। चलो ये देखें सामान आते हैं, तो पाँच मिनट जाना मेरे साथ उधर चले, मैंने थोड़ा सा ना बच्चों के लिए फ्रूट वगैरह लेने हैं, चलो चलते हैं फिर, मैं बाइक ले आता हूँ। जी है।
जो है बच्चों के लिए खाने पीने को और के लिए सामान ले रहा है माशाल्लाह। ये देखें फरूट किलो कितने कह रहा है, डेढ़ डेढ़ सौ रुपये। अच्छा ये तो दे, किलो तो दे। कितने कह रहा है, डेढ़ सौ रुपये? ये नहीं किलो डेढ़ सौ रुपये और सेब साढ़े तीन सौ रुपये किलो। अच्छा रमजान शरीफ है ना हमारे पाकिस्तान में, पाकिस्तान में जो है ना वो सवाब बहुत कमाया जाता है। सही बात है। वही डेढ़ सौ है, एक किलो वो का देंगे नहीं जा रहे। वाटा रेट है डेढ़ सौ रुपये, जो कुछ भी मैंने पूछा है ना डेढ़ सौ डेढ़ सौ डेढ़ सौ डेढ़ सौ डेढ़ सौ का काम नहीं है। बिल्कुल महंगाई हो गई है ना माशाल्लाह जी। हमारे लिए जो है ना ऐसा काम बन गया है, पैसे भी जेब में हैं और बाइक भी है, लेकिन हम कहीं जाने के नहीं रहे क्योंकि जहाँ पे हमारे बाइक का पेट्रोल ख़त्म हुआ है। तो पेट्रोल एक क्वार्टर मैंने पवाया था तो इमरान भाई ले गए थे, मुझे पता नहीं था कि इमरान भाई ले गए या नहीं ले गए, तो वो ले गए थे लगता है ऐसे है। और पेट्रोल जो है वो ख़त्म करके आ गए थे, मैंने कहा पेट्रोल डलवाया है तो इतना सफ़र नहीं था, आधा लीटर पवा लो तो वापसी बंदा घर पहुँच जाता है, तो आधा लीटर पवाया था इमरान भाई, फिर वो ख़त्म करके आ गए। और ऐसी जगह रुक गए हैं जहाँ कोई एजेंसी वगैरह नहीं है, ये देखें बिल्कुल वीरान है बिल्कुल सारा वीरान ही वीरान है, और पेट्रोल जो है इधर कहीं नहीं मिलता। तो अभी रिश्तेदारों को जो है कॉल मिला रहे हैं, देखते हैं कोई आता है या नहीं आता। हाँ जी कॉल मिलाया है, मुझे लगता है रास्ते में है, आ रहा है फिर वो पेट्रोल नहीं लेके आएगा। ये वही है ना जहद है माशाल्लाह जी। प्यारे बहन भाइयों अभी जो है घर पहुंच चुके हैं माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बहन, क्या हाल है? ठीक ठाक तबीयत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हैं सारे? सब ठीक हैं। ओ जक्का बेड़ा सारा बेड़ा ठीक है? तू पता नहीं होनी ठीक हैं जी। हां ठीक माशाल्लाह सारे सब ठीक हैं। सलाम देने पे अंत को माशाल्लाह सारे छोटे बड़े जी हां माशाल्लाह। सलाम दे रहे थे? वालेकुम अस्सलाम। तू सुना तबीयत सेहत अमन सकून माशाल्लाह जी। अम्मी जी ये था सरप्राइज जो आपको बता नहीं रहा था मैं, अचानक हुआ है ना। हाँ जी मैंने कहा अचानक सरप्राइज दूं तो अचानक आ गए जी। हाँ बिल्कुल। और माशाल्लाह ये जैन को राशन मिला था उधर से, ये भी ले आया है, और घी जो है वो हमने फटा दिया है, फट गया था घी फट गया है। सफर था ना वो, फिर आपको पता है बसों वाले कैसे होते हैं, इधर चाह अल्लाह करते हैं। हाँ जी तो बस में जो है रखा था तो घी फट गया था और मेरी जो है शलवार पे सारा लग गया था, तो इसी वजह से मैंने ये सूट चेंज कर लिया। मेरे भी यहाँ पे देखे ना, आपकी टांग पे भी लग गया है ना पीछे भी। हाँ और इसमें है क्या क्या, ये दूसरा चेंज किया है? दूसरा चेंज किया अल्हम्दुलिल्लाह, सारा जो होता है ना घर का खर्चा राशन वो है। बिल्कुल तो ये दूसरा यानी चेंज किया है? दूसरा चेंज किया है बोरा, क्योंकि ये तो सारा ये रखे ना घी लगा हुआ है, घी लगा हुआ है, ये सारा फिर कपड़े ख़राब हो जाते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये सर प्राइज था, जैन आ रहा था मुझे कॉल की थी, मैंने कहा अम्मी को बताता नहीं हूँ, तो बाद में जो है ना सर प्राइज एक साथ सर प्राइज दूंगा। ठीक है ना? ठीक। कैसा लगा फिर सर प्राइज? बड़ा अच्छा लगता है, आपका पुत्र आ गया तो आप दे दे रहे। हाँ ठीक है, खुशी चाहने दी आप औलाद आवे बल तो खुशी चाहने दी है। बिल्कुल। तो क्या बना रही हो आप? क्या बना रही हूँ? ऐसा तो सुहांजना बना रही हूँ। सुहांजना बना रहे हो? हाँ। खाली या उसमें कोई आलू वगैरह गोश्त वगैरह है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? कुछ नहीं, अल्लाह देसी जगह करे तू। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी। प्यारे बहन भाइयों इंशाल्लाह बाकी की जो वीडियो होगी वो आपसे शेयर करेंगे, और आपने हमारे साथ रहना है, वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। और मदीहा भी आई हुई है, हैरान हो रही है ना? क्यों हैरान हो रही हो? जी जैन खाना जो है तैयार हो रहा है, तो बैठो खाना छाना खा के जो है ना फिर इंशाल्लाह फिर अपने वो खाना तो खा लेंगे इंशाल्लाह। ये मेरे साथ सामान है ना सारा, तो ये भी देना है, उधर घर जाना है अभी इंशाल्लाह, फिर आऊँगा। चलो फिर आपको पहुंचा के आऊँ, बाइक खड़ी हुई है, बस चला जाऊँगा मैं, फिर शाम को ले आऊँगा भाई। ठीक हो गया, तो शाम को वापसी आ जाओगे। चलो सामान दे आओ, और अम्मी आपकी इंतजार कर रही होगी कि सुबह का आ रहा था तो अभी तक क्यों नहीं पहुंचा। वो उनके साथ आठ वो आपका मामू कह रहा था, वो भी कह रहा था आपको आपके सामने जो है। हाँ जी मैंने उनको नहीं ना कॉल की ना बताया कि मैं आ रहा हूँ।
किसी को नहीं पता, सिर्फ इनको और वो मामू को पता है बस। वो अभी काल है तो काल है भी, उनको अभी पता चला है ना कि वो आ रहा है। अचानक पता चला है ना जब अपने मामू को कॉल किया इसने, तो फिर पता चला। मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा मैं पैदल आ रहा हूँ, मुझे ले जाओ यहाँ से। हमारा पेट्रोल खत्म हो गया था ना, वो आ गए थे मामू, और फिर वो उनका जो रुमाल था उस रुमाल से पकड़ा है, आके पेट्रोल वाली दुकान पे गया, वहाँ से पेट्रोल वगैरह दिलवाया, फिर यहाँ पे आ गए। ठीक किया है ना, चलो ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे थोड़ी देर तक। अभी जो है जैन को घाट पहुँचाना है, और इन्होंने भी घाट जाके रोजा है, इफ्तारी करो, तो इधर हम सामान ले आए। बस ये देखे ना आपके सामने मैंने लिया तो है सामान। हाँ जी, इफ्तारी का सामान है, तो रोजा इफ्तार कर लें, तो फिर इंशाल्लाह खाई काट के ना फिर वापस आ जाएंगे। ठीक है जी प्यारे बहन भाइयों, अभी जो है जैन चला गया है अपने घर, और बाइक भी ले गया है, सामान भी सारा ले गया है। तो माशाल्लाह इफ्तारी का टाइम जो है होने वाला है। ये देखें सूरज बिल्कुल जो है ग़ुरूब हो चुका है, तो इंशाल्लाह हमारा व्लॉग जो है वो भी मुकम्मल हो चुका है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर देना है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।